देखेंगे सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम फॉर वेरियस टाइप ऑफ इनपुट. तो आज हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर कैसे रिस्पॉन्स करता है फॉर द स्टेप इनपुट. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम अकॉर्डिंग टू जीटा फोर टाइप्स का था, दैट इज अंडरडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड और ओवरडैम्प्ड सिस्टम. आज देखेंगे कि यही अंडरडैम्प्ड सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट कैसे रिस्पॉन्स करता है. लास्ट टाइम हमने बता दिया था कि आउटपुट रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप आता है फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम, बट ये कैसे आता है, इसका आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे ये हुआ, ये आज हम सब देखेंगे, ठीक है, इन डिटेल्स. तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट. किसके लिए? तो फॉर स्टेप इनपुट, ठीक है. हम लोग को पता है फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम जीटा कहां से कहां लाया करते हैं, जीरो से वन के बीच, सब कुछ देख चुके थे. तो हमारा पहले लेते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा होता कैसे. तो दिस इज हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एस, एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन. दिस इज क्लोज लूप सिस्टम. हियर इज आर एस इज इनपुट, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ले रहे हैं. दिस इज सी एस हमारा आउटपुट. तो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू आया था ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ये हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स था फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. इसका लोकेशन ऑफ पोल कहाँ था बच्चों? तो लोकेशन ऑफ पोल हमने देखा था कि कुछ इस टाइप का था. दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, दिस इज द लोकेशन ऑफ पोल ऑफ अंडरडैम्प्ड सिस्टम. कैसे आया था लोकेशन ऑफ पोल? तो एस ये देखिए, दिस इज हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस एच एस. इसको हम इससे इक्वेट किए थे 0 से. तो एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारा लोकेशन ऑफ पोल आया था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. और इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा डी. ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है. इसका टाइम कांस्टेंट हमने देखा था. टाइम कांस्टेंट क्या था बच्चों? तो टाइम कांस्टेंट इज द इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द बोर्ड. तो यह रियल पार्ट क्या है? जीटा ओमेगा एन. सो दिस इज हमारा 1 बाई जीटा ओमेगा एन. एंड व्हाट इज सेटलिंग टाइम फॉर दिस अंडरडैम्प सिस्टम? तो इसका सेटलिंग टाइम क्या था? टी एस इज इक्वल टू 4 टाउ, ठीक है. किस लिए? तो हम अभी जितना भी पढ़ रहे हैं 2% एरर बैंड के लिए देखेंगे. तो फॉर 2% एरर बैंड टी एस इक्वल टू 4 टाउ. तो ये हो जाएगा टी एस इक्वल टू 4 बाय जीटा ओमेगा. ये था अंडरडैम्प सिस्टम. अब हम क्या करते हैं, इसी अंडरडैम्प सिस्टम में आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करेंगे फॉर स्टेप इनपुट. तो अब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं स्टेप. देखो कैसा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं स्टेप इनपुट. दिस इज आरटी ए यूटी तो लिख लो या फिर सिर्फ यूटी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मान लो यूटी है तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बच्चों? 1 बाई एस. तो आर एस अगेन क्या लिए? 1 बाई एस. किसके लिए? स्टेप इनपुट, ठीक है. अब हम आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करेंगे, मतलब हम लोग को क्या चाहिए? सी एस, सी ऑफ एस. तो चलो सी ऑफ एस देखते हैं फॉर स्टेप इनपुट क्या आता है. तो सी ऑफ एस, सी ऑफ एस इक्वल टू आर एस को उस साइड लेके चलते हैं. तो आर एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर टू सीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा.
फिगर इसमें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इसमें जो स्टेप इनपुट है तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं 1/s. तो इस आर की जगह वी कैन पुट 1/s. तो दिस इज हमारा आउटपुट सिस्टम. ठीक है, दिस इज हमारा आउटपुट ऑफ द सिस्टम. अब इसका क्या करना है, तो टाइम डोमेन एनालिसिस करना है. तो अगर टाइम डोमेन एनालिसिस करना है तो इसको तुमको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा. तो इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, तो जब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो देखो दिस इज अ क्वाड्रेटिक टर्म. तो जब भी क्वाड्रेटिक टर्म आता है पार्शियल फ्रैक्शन में तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखते हैं. ए नॉट बाई एस इसके लिए हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट. तो दिस इज एस स्क्वायर, तो यहाँ हम लेते हैं ए टू एस प्लस एस का 1, तो दिस इज ए. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट एस स्क्वायर का एस, एस का 1, तो ए टू एस प्लस ए थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये टर्म है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर एस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. इसको हम किससे इक्वल किए, ए नॉट, इसको एक काम करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए नॉट इन टू एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ठीक है, प्लस ए वन, सॉरी यस सॉरी सॉरी प्लस न्यूमरेटर में क्या है ए टू एस प्लस ए थ्री और एम टू क्या हो जाएगा एस, और डिनोमिनेटर में क्या था एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. तो ये क्या है, कुछ नहीं एलसीएम लेगी. ठीक है, ए नॉट के डिनोमिनेटर में एस है, ये नहीं, तो ये ए नॉट इंटू दिस टर्म और ए टू एस प्लस ए थ्री इंटू दिस वाला टर्म, ये हो गया था एलसीएम. दिस वैल्यू विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस वैल्यू, ए डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी ओमेगा एन के स्क्वायर, विल बी ब्रेक कर दो इसको, दिस विल कम्स आउट टू बी ए नॉट एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन ए नॉट इनटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ए नॉट प्लस ए टू एस स्क्वायर प्लस ए थ्री एस. ये हम ब्रेक कर दिए पूरा. अब क्या करेंगे, जो सेम कोएफिशिएंट वाला टर्म है एस स्क्वायर को एक साथ ले आओ, एस को एक साथ ले आओ और बाकी कॉन्स्टेंट को एक साथ. ये इक्वेशन हो जाएगा एस स्क्वायर पावर दे देते हैं ए नॉट ए टू ए नॉट प्लस ए टू. ओके, नाउ एस कॉमन ले लो, यहाँ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन ए नॉट प्लस ए थ्री. ओके, नाउ दिस इज हमारा कॉन्स्टेंट वाला टर्म ए नॉट ओमेगा एन का स्क्वायर. तो देखो बच्चों, क्या इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कोई एस स्क्वायर का टर्म है, नहीं है. क्या कोई एस का टर्म है, नहीं है. तो एस स्क्वायर के टर्म को जब हम इक्वेट करेंगे तो जब है ही नहीं तो ए नॉट प्लस ए टू को क्या लिखेंगे, जीरो. क्या कोई एस का टर्म इधर है, नहीं है. तो 2 जीटा ओमेगा एन ए नॉट प्लस ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. बट दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि क्या है कॉन्स्टेंट. तो इसको तुम कैसे इक्वेट करोगे, सी सिर्फ ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म इससे इक्वेट होगा. तो ए नॉट ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया. ठीक है, तो ए नॉट का वैल्यू आ गया 1. चलो ए नॉट प्लस ए टू इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो ए नॉट प्लस ए टू इक्वल टू 0. सिंस तुम्हारे पास ए नॉट का वैल्यू है
A2 equal to now the minus of A0, that is equal to minus 1. So A2 ka value will be minus 1. A0 aa gaya, A2 aa gaya, A3 bacha. So chalo is equation ko equate karte hain, to 2 zeta omega n A0 plus A3 equal to 0. So my pass A0 ka value hai 1. So A3 kitna chahiye? Minus of 2 zeta omega n. So is tarah se tumhara A0, A2 और A3 का वैल्यू आ गया. सी बहुत सिंपल था, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें, इट्स वेरी इजी. अब हम क्या करेंगे, हम आउटपुट रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं. तो देखो अब हम इसमें सारा वैल्यू पुट कर देते हैं. ओके, सिर्फ तुमको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, तो सी एस एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे बहुत डिमांड कराता है. ए नॉट का वैल्यू क्या बताया बच्चों, ए वन पुट 1 बाई एस प्लस ए टू का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1 पुट ए टू इक्वल टू माइनस 1 दिस विल बिकम माइनस एस ए थ्री माइनस 2 थीटा ओमेगा divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n का square. S s के बाहर minus है और minus 2 zeta omega n के बाहर minus है. Take minus as a common. इस minus sign को common ले लो. यहाँ पे minus आ जाएगा and this will become plus, this will become plus. तो ये तुम्हारा आ गया s plus 2 zeta omega n divided by s square plus 2 zeta omega n is plus omega n का square. क्या इस वाले टर्म को 2 zeta omega n को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 by s minus s plus zeta omega n plus zeta omega n divided by s square plus 2 zeta omega n is plus omega n का square. कुछ भी नहीं किए बच्चों, इस 2 जीटा ओमेगा n को हम ब्रेक कर दिए जीटा ओमेगा n और जीटा ओमेगा n. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक साथ हम इसको एक साथ ब्रेक कर देंगे. तो ये केस आ जाएगा 1 by s माइनस साइन आ रहेगा यहां पे s plus जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s. यहां क्या चाहिए, माइनस जीटा ओमेगा n divided by s square. हम क्यों किया ऐसा, ये को बाहर समझ रहे हैं, 2 zeta omega n s plus omega n का square. ठीक है, इतना है बच्चों, कुछ भी नहीं, अभी तक बहुत इजी है, एकदम देखते जाओ यहां से. नाउ देखो ये कैसा सिस्टम है, ये एक अंडर डैम्प सिस्टम है. अंडर डैम्प सिस्टम का लोकेशन ऑफ पूल क्या है, s1 कॉमन टू बिकम्स आउट टू बी माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओके ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. इस वाली इक्वेशन को जब हम अंडर डैम्प निकाले थे तो दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल. ठीक है, तो इसको अगर इस लोकेशन ऑफ पोल से इक्वेशन बनाना हो इस लोकेशन ऑफ पोल से, तो क्या लिखो, अगर तुम्हारे पास लोकेशन ऑफ पोल है तो क्या लिखोगे, अगर 1 और 2 है तो क्या लिखोगे, s minus 1 into s minus 2, दिस इज तुम्हारा लोकेशन ऑफ पोल. ओके, तो देखो यहां हमारे पास ये है लोकेशन ऑफ पोल, तो इसको लिख सकते हैं s minus n, तो क्या हो जाएगा, प्लस जीटा ओमेगा n प्लस j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर into s minus beta omega n minus j omega n under root 1 minus beta s. इस location of pole से तुम equation बना सकते हो, this is तुम्हारा s plus beta omega n, ये plus है और ये minus है, दो है, तो एक बार तुम्हारे क्या लेगा plus और एक बार यहाँ पे minus, ये बन गया, तो ये किसमें ब्रेक हो जाए, s plus of a and s plus of b. ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो s plus a नहीं, देखो दिस इज तुम्हारा s plus a, क्योंकि ये दोनों में सेम है,
दिस इज तुम्हारा एच प्लस, ठीक है, एंड दिस इज तुम्हारा बी, दिस विल बी बी. कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत इजी है. फॉर्मूला पढ़ोगे ना, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, क्या लिखते हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर यही ए प्लस जे बी और ए माइनस जे बी होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बस हम ऐसे ही कुछ टर्म लाना चाह रहे हैं, ठीक है. तो देखो एस प्लस एस प्लस ए और बी इसको हम बी दे, तो इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जे है, प्लस ऑफ बी का स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं. पूरा ब्रेक करके देखो, तुमको समझाएं ब्रेक कर करके, ठीक है. सिमिलरली एस स्क्वायर प्लस टू जी का ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है, इसी का तो कोण आया ये, ठीक है. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. तो ए क्या है, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये इक्वेशन तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो गया. तो चलो हम इसको मॉडिफाई करते हैं. तो ये आ जाएगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू वन बाई एस माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय किसमें ब्रेक कर दिए, इस इक्वेशन. तो ये हो गया एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस प्लस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये इक्वेशन इसमें तुम्हारा कन्वर्ट हो गया. अब कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी इजी है, बस ब्रेक कर दो. देखो तो इसको समझाने से पहले तुमको एक इक्वेशन बताते हैं. हम लोग सब पढ़ेंगे साइन ए टी का क्या होता है, लाप्लास ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. वही अगर ई टू दी पावर माइनस ए टी साइन ए टी हो तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, शिफ्टिंग. तो ए जहां जहां एस है वहां वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो एस प्लस ए का होल स्क्वायर. चलो एक काम करो, यहाँ ठीक है, यहाँ बी करो, मेक इट एज ए बी, तो साइन बी टी. तो दिस इज तुम्हारा बी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस ए टी, तो एस प्लस ए एस बी टी दैट इज बी का स्क्वायर, ठीक है. एस प्लस वैसे शिफ्ट हो गया, चलो तो इसको भी बी ही कर दो, कंसेंसस हो गया, ठीक है. नेक्स्ट देखो cos of b t अगर हो तो क्या लिखोगे, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर यही e टू द पावर माइनस a t cos of b t हो तो s शिफ्टिंग हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, s प्लस a डिवाइडेड बाय, ये सब पढ़ चुके हैं हम स्टार्टिंग में ही, s रिकॉल करते रहो क्लास को, s प्लस b शिफ्टिंग किसमें, ए में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. कुछ ऐसा होता है शिफ्टिंग होता है तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है, जितने टर्म से तुम्हारे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड है, सिंपल है. तो चलो उसको देखते हैं क्या कहीं कॉस साइन बन रहा है क्या. चलो देखो देखो यहाँ दिस इज तुम्हारा एस प्लस जीटा ओमेगा एन. क्या ये वाला इक्वेशन कुछ ऐसा लग रहा है, एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. तो ये टर्म तो सिंपल तुम्हारा कॉस वाला टर्म बन रहा है, क्या ये साइन बन रहा है, नहीं. साइन अगर चाहिए तुमको तो चलो शिफ्टिंग वाला है ना, तो इसको देखते हैं. तो एस प्लस ए का होल स्क्वायर है बी स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट वन माइनस बी का स्क्वायर. यहाँ बी होना चाहिए, क्या है यहाँ बी, तो नहीं है. तो दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म ना, तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं इस टर्म को
make it into a sign term, हम इसी terms में multiply और divide कर देते हैं. तो ये equation बन जाएगा हमारा. This equation will become Cs 1 by s minus s plus is now omega n divided by square minus into कर दिए इस टर्म से और इसी टर्म से डिवाइड कर दिए ओमेगा n ओमेगा 1 माइनस zeta square डिवाइडेड बाय ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस zeta square zeta ओमेगा n डिवाइडेड बाय कितना जाएगा s प्लस zeta ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस zeta square का तुम्हारा ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, तो अब देखो, अब वो साइन वाला टर्म बन गया एंड दिस इज तुम्हारा कॉस वाला टर्म. ठीक है, तो अब देखो क्या कुछ कैंसिल कैंसिल हो रहा है क्या. चलो इस ओमेगा को इस ओमेगा से कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, ये एक काम करो, इसको मत कैंसिल करो क्योंकि ये तो भी है ना, नहीं तो तुम कैंसिल करो इस ओमेगा को इस ओमेगा से कैंसिल कर देते. और तो कुछ कैंसिल नहीं होना है, तुमको साइन वाला टर्म पी दिखा चाहिए दिस वाला टर्म. ये क्या बना रहा है तुम्हारा साइन वाला टर्म. ठीक है, चलो इसके इनवर्स लाप्लास लेते हैं. तो ये हो जाएगा सी टी वन बाई एस एस यू टी. दिस टर्म विल बिकम देखो एस प्लस ए एस प्लस ए एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इक्वेशन विल बिकम ई टू दी पावर माइनस ए टी कॉस बी टी. तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e to the power minus zeta omega n t cos of omega n 1 minus zeta square into t. बहुत सिंपल था. चलो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस zeta by अंडर रूट 1 minus zeta square. और ये वाला टर्म omega n अंडर रूट 1 minus zeta square डिवाइडेड बाय s plus zeta omega n का होल स्क्वायर omega n अंडर रूट 1 minus zeta square. ये क्या बन रहा है e to the power minus a t sin b t. तो ये हो जाएगा e to the power minus zeta omega n t into sin omega n अंडर रूट 1 minus zeta square. ठीक है बच्चों, देखिए है बहुत सिंपल, आई नो थोड़ा लेंथी है बट इट्स वेरी इजी. एकदम ध्यान से करोगे तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. अब देखो सबके साथ यूटी मल्टीप्लाइड है राइट. यूटी क्योंकि सब कैसा है राइट हैंड साइड वाला टर्म, सबके साथ यूटी मल्टीप्लाइड है. तो सी टी इज इक्वल टू यू टी ओके ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी. इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. ये आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये बचा कॉस ऑफ ओमेगा एन ओके. इसमें तो ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये तो कॉमन, बट क्या इसमें अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है नहीं है, इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ये हो जाएगा कॉस ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी माइनस ऑफ क्या बचाएगा जीटा माइनस ऑफ जीटा इंटू साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी इंटू यू टी. ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन. अब देखो हम लोग सब पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में ही अंडरडैम्प सिस्टम में एक ट्रायंगल लिए थे बच्चों. दिस इज हमारा ट्रायंगल. ठीक है, दिस इज हमारा पोल. तो ऐसा कुछ एक ट्रायंगल करके एक सर्किल बनाए थे हम लोग, याद आ रहा है. दिस इज हमारा ओमेगा एन था एंड दिस इज हमारा ओमेगा एन एंड वन माइनस जीटा स्क्वायर एंड दिस इज जीटा ओमेगा एन. तो इस सर्किल के अकॉर्डिंग इस
लोकेशन ऑफ पोल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे साइन फाइ, इसका वैल्यू क्या है अंडर रूट नॉट माइनस जीटा स्क्वायर, और निकालेंगे कॉस फाइ, इसका वैल्यू है जीरो। ठीक है, और हम जानते हैं कि ओमेगा बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये हम सारा प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो दिस इक्वेशन विल बिकम e to the power minus zeta omega n t under root 1 minus zeta square. Under root 1 minus zeta square, so we can write sin phi. Sin phi cos omega under root 1 minus zeta square, so we can write cos omega dt. Cos omega dt. Yes. Zeta, so we can write cos phi. Cos of phi. साइन ऑफ ओमेगा डी। ओके चलो अब क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, वी कैन राइट दिस एज साइन ए प्लस बी, तो ये इक्वेशन जाएगा यू माइनस अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ए प्लस become sin omega t e plus of phi। ठीक है, अब एक काम करो, इससे ut कॉमन है, ut हम कॉमन लेंगे, दिस विल बिकम 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n t बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर sin this as omega n under root 1 minus zeta square t plus of phi, this is tumhara output response of underdamped system for step input। ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट रिस्पॉन्स आया। अब अगर मान लो आउटपुट हम यूटी ना लगाते, ए यूटी लेते, तो इक्वेशन क्या बन जाता है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ए सी, दैट्स इट। इट्स वेरी इजी बच्चों, ये बहुत इजी है, टफ नहीं है, बस तुमको ध्यान किस पे देना है, तो कैलकुलेशन पे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पे, और ये सारे इक्वेशन पे ध्यान देना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इक्वेशन तुमको याद ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका आउटपुट रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ये हमारा आ गया आउटपुट, अब ग्राफ में देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। चलो इस पूरे इक्वेशन को हम ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट में, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में हम सिर्फ ये वाला टर्म को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग ओनली दिस टर्म, तो हम ये सी वन के लिए e to the power minus zeta omega n t, अभी हम सिर्फ इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो c1 t equal to 0 क्या हो जाएगा, e to the power minus zeta equal to 1, यानी इनिशियल वैल्यू इसका क्या होगा 1, c2 t equal to 4 tau के। ठीक है, जितना भी ग्राफ ड्रॉ करना है सिर्फ 2% एरर बैंड के लिए, तो फॉर 2% एरर बैंड सेटलिंग टाइम विल बी, for 2% error band, settling time will be 4 by zeta omega, ठीक है, and we are know, हम लोग हर चीज से known है, we are very well known from this thing, कि after settling time, exponential term will become 0, after settling time, exponential term will become 0, तो यहाँ पे हम t equal to क्या लिए 4 tau, and for 2% error band, tau will be equal to 1 by जीटा ओमेगा, है ना, यही होता है ना तुम्हारा टाइम कांस्टेंट, और सेटलिंग टाइम विल बी 4 टाउ, तो पुट करो e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n इनटू 4 बाय जीटा ओमेगा, कैंसिल, तो क्या बचा e टू द पावर माइनस 4, एंड फॉर 2% एरर बैंड, फॉर 2% एरर बैंड सेटलिंग टाइम विल बी 4 टाउ, एंड आफ्टर 4 टाउ
out, exponential term will become 0. यानी ये term क्या हो जाएगा? 0. यानी output C2 का क्या हो जाएगा? Output of C2 क्या हो जाएगा? 0. Initial value कहाँ से start होगा? 1 से final 0. यानी तुम इस graph इस value से ही देख सकते हो ये कैसा term है? एक exponentially decreasing term है. तो इसका graph इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा. This is T is equal to 4. This is 1. This is C1. ठीक है? चलो next term लेते हैं. Next C2 किधर ले रहे हैं? This वाला है. ठीक है? C2T is equal to 1 by upper root 1 theta square sin omega n upper root 1 by theta square plus of 5. Initial value क्या put करोगे? 0. So put T equal to 0. तो यहाँ पे जब तुम T equal to 0 put करोगे तो कितना जाएगा? 1 by upper root 1 minus theta square sin sin 0 यहाँ जाएगा साइन को तो ठीक है क्या करो 0 तो 0 प्लस 5 इज साइन 5 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 5 इज अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर. तो यहाँ पुट कर देते हैं साइन से क्या ना अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर तो वैल्यू क्या हो 1. यानी ये वाला ग्राफ विल बी ये वाला फंक्शन का ग्राफ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जिसका इनिशियल वैल्यू 1 होगा. फाइनल देखते हैं तो फाइनल इज द सेटलिंग टाइम. तो हम क्या ले रहे हैं 2% एरर में तो सेटलिंग टाइम क्या होगा 4 बाय जीटा ओमेगा एन. तो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 4 बाय जीटा ओमेगा एन प्लस 5. ऐसा कुछ टर्म है. तो तुम देखो ये वाला जो टर्म है इसमें कैसा वैल्यू आ रहा है? साइन वैल्यू आ रहा है. इनिशियली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इनिशियली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 बट फाइनली क्या ये कहीं पहुंचेगा? नहीं. तुमको पता है ये एक ऐसा सिस्टम हो गया, एक अनडैम्प्ड सिस्टम हो गया. ठीक है? क्योंकि इसमें एक साइनोसॉइडल टर्म है. साइनोसॉइडल टर्म क्या होगा? कंटिन्यूअसली तुम्हारा क्या करते रहेगा? फ्लो करते रहेगा, कभी भी सेटल नहीं करेगा. ठीक है? तो ये वाला फंक्शन का जो फाइनल होगा दैट विल बी अ साइनोसॉइडल टर्म. ठीक है? ये सेटल नहीं करेगा. तो इसका आउटपुट अगर तुम बनाओ तो ये सी टू टी. ठीक है? स्टार्ट कहां से करेगा? 1 से. स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 1. ठीक है? देखो साइन ऑफ ऐसा तो मान सकते हो साइन ऑफ ए प्लस ऑफ 5 या ऐसे ले लो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5 प्लस 5 है ना. मतलब ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. मतलब प्लस 5 पहले से स्टार्ट करेगा है ना. तो ये तुम देख ली कि प्लस 5 से स्टार्ट कर रहा है और इसका इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनली कहीं नहीं रीच करेगा क्योंकि इट इज अ साइनोसॉइडल टर्म. तो 1 से स्टार्ट करेगा और कैसे जाएगा? कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहेगा. ठीक है? और इसका टाइम पीरियड अगर तुम निकालो तो कितना टाइम पीरियड में फ्लो करता है तो दैट विल तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू टी. इस टाइम से तुम्हारा ये फ्लो करेगा. तो दिस इज तुम्हारा सेकंड वाला टर्म शिफ्ट हुआ है फाइनल. तो दिस इज तुम्हारा फाइनल. ठीक है? देखो साइन ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी प्लस ऑफ 5. दिस इज तुम्हारा 5. ठीक है? क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो दिस इज तुम्हारा सी टू टी. नेक्स्ट अब तुम सी थ्री टी बनाओ. तो सी थ्री टी इज इक्वल टू सी वन टी इंटू सी टू टी. ठीक है? तो दिस इंटू दिस ये है हम लोग का सी टू टी. तो देखो सी थ्री सॉरी सी थ्री C3T कैसा आएगा? ये है हमारा सेटलिंग टाइम TS 4 tau
और इसका सी टू टी तो कहीं भी यूज नहीं करेगा, ठीक है। चलो सी थ्री टी का भी इनिशियल फाइनल वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सी थ्री टी का इनिशियल वैल्यू क्या होता है, e टू दी पावर माइनस बीटा ओमेगा एन टी एन टू वन बाय अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर टी प्लस ऑफ साइन। तो t इक्वल टू जीरो तो कितना जाएगा, दिस इज वन इंटू वन बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ फाइव। साइन फाइव क्या है बच्चों, अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। तो दिस वैल्यू दिस वैल्यू कैंसिल ऑफ, तो इनिशियल वैल्यू वन है। चलो फाइनल देखते हैं, तो सी थ्री टी फोर टाउ है। अब देखो अब सिर्फ एक साइनोसाइडल टर्म नहीं रहा, अब ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म रहा और इसमें एक साइनोसाइडल टर्म का भी मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है। तो इसमें पुट कर दो फोर बाई जीटा ओमेगा है, टी इक्वल टू फोर बाई जीटा ओमेगा है, तो क्या जाएगा e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा है इंटू फोर बाई जीटा ओमेगा है इंटू वन बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू फोर बाई जीटा ओमेगा एन प्लस फाइव। हम क्या मान के चलते कि सिस्टम विल सेटल अंडर 2% एरर बैंड, यानी सिस्टम सेटल कर जाएगा 4 बाई जीटा ओमेगा पे। तो जब सिस्टम सेटल कर जाएगा 4 बाई जीटा ओमेगा पे तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो दिस दिस कैंसिल आउट, यानी e टू दी पावर माइनस फोर विल बिकम जीरो। तो सी थ्री टी का फाइनल टाइम क्या होगा, जीरो। यानी सी थ्री टी का फाइनल तो हम लोग को पता चल गया और इनिशियल भी पता चल गया, सी थ्री टी का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो और इनिशियली वन। तो ये तो हम लोग को पता चले कि फाइनल में जीरो पे ही आएगा और इनिशियली वन। तो देखो वन इंटू वन ऐसे भी वन, चलो अब यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा है, यानी मान लो ये कहीं 0.9 पे है। तो देखो ये इंक्रीज किया समथिंग, या तो 5 इंटू 0.2 करो, ठीक है, 5 इंटू 1 करो क्या है 5, ठीक है, 5 इंटू 0.2 करो तो कितना है 1, 5 इंटू 0.4 करो कितना है। इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, मतलब अगर तुम डेसिमल वैल्यू को इंटू करो, मतलब अगर डिक्रीजिंग वैल्यू को इंटू करो तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो डिक्रीजिंग है, दिस इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैसा है, ये कुछ वन है उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो ये कुछ कैसा जाएगा, यहाँ पे दिस विल बिकम डिक्रीज, कहाँ तक, यहाँ तक ये कैसा जाएगा, डिक्रीज होते हुए। फिर देखो क्या है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, तो ये कहीं ऐसा जाएगा, फिर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, और फिर कुछ ऐसे, ठीक है, मतलब ये कहीं जीरो पे सेटल कर चुका। तो इस तरह से तुम्हारा सी थ्री टी का ग्राफ है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन है सी वन डी टू सी टू टी का, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इस तरह से तुम्हारा ग्राफ आ रहा है। फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल तो फाइनल आउटपुट इज वन माइनस सी थ्री टी, वन माइनस सी थ्री टी, ठीक है। तो अब जो फाइनल वैल्यू बनाएंगे हम ये देखो वन माइनस सी थ्री टी, ठीक है। अब अगर यही वन माइनस सी थ्री टी में ए से इंटू कर दें, अगर हम वन माइनस सी थ्री टी में ए से इंटू कर दें तो फाइनल वैल्यू कहां पहुंचे, क्योंकि सी थ्री टी सिंस सी थ्री टी का फाइनल जो वैल्यू है फोर टाउ पे वो क्या है जीरो, तो सी टी का फाइनल वैल्यू क्या होगा, यानी सी टी का फाइनल वैल्यू विल बी ए, सिंस सी थ्री टी जो है उसका वैल्यू क्या है जीरो, फोर टाउ पे तो जीरो पुट करो तो वन माइनस जीरो इंटू ए विल बिकम ए।
कितना पता चल गया? तो देखो 1 - 1 = 0, तो ग्राफ कैसा आएगा कुछ 0, ठीक है। फाइनल वैल्यू हमको पता है कि 8 आएगा। अब देखो 1 8 है, डिक्रीजिंग में मान लो 0.9, तो 1 - 0.9 इज 0.1, कुछ बढ़ा। फिर ये क्या है, मान लो 0.5, तो 1 - 0.5 इज 0.5, फिर कुछ बढ़ा। फिर मान लो यहाँ पे आया, तो 1 - 0 = 1, यानी ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा बना। फिर ये क्या है, निगेटिव टर्म्स, तो 1 - 1 - सम निगेटिव वैल्यू, मान लो ये 0.1 - 0.1, तो ये तो प्लस आया ना, बढ़ेगा, तो 1 - -0.1 क्या जाएगा, प्लस 0.1 यानी 1.1, ये बढ़ा। और निगेटिव हुआ और बढ़ा, ठीक है। फिर डिक्रीज हुआ निगेटिव वाले, तो डिक्रीज हुआ एंड देन 0, ठीक है। नेक्स्ट आओ यहाँ पे, तो मान लो ये पॉजिटिव में, तो 1 - 0.1, ठीक है, तो 1 - 0.1, तो 1 - 0.1 क्या हो जाएगा, 0.9, ठीक है। तो फिर ये घटेगा, फिर कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से आते आते फाइनली ये कहाँ पहुंच गए, तो फाइनल आउटपुट तुम्हारा PS=4000। तो दिस इज तुम्हारा आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर अंडर डैम्प स्टेप इनपुट, ठीक है बच्चों। आई होप तुम लोग को ये समझ आया हो, हम बिट टू बिट तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर ग्राफ को अलग अलग ब्रेक करके। और ये तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा आता है आउटपुट रिस्पॉन्स, क्यों आ रहा, आज तुमको प्रूफ करके विथ डेरिवेशन एंड विथ ग्राफ दिखा दिया, ठीक है। इसमें भी अगर तुमको कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए स्टेप इनपुट रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं।